तो सबसे पहले नमस्ते आप लोगों को। आज मेरे एक स्टूडेंट का सवाल था कि जॉब के लिए इंग्लिश आनी ज़रूरी है क्या, और यदि इंग्लिश आनी ज़रूरी है तो कितनी इंग्लिश आनी चाहिए। तो यार मैंने इस टॉपिक के ऊपर कितने सारे वीडियोस बना चुका हूँ अब तक कि मतलब पूछिए मत, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको आज और बता रहा हूँ ये चीज़। और एक दूसरी चीज़, मैं आप लोगों को यूट्यूब की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे वीडियोस देख रहे हैं और वो बार बार मेरा सर खाते रहते हैं कि कोई ट्रिक बताइए सर, कि किस तरह से आपने 1K किए और किस तरह से मतलब यूट्यूब आपका ग्रो कर रहा है, जबकि मेरे एक नहीं दो चैनल्स हैं मेरे, ठीक है, और तीसरा मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाह रहा हूँ। तो कुछ टिप्स हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश की कुछ ट्रिक्स भी आप लोगों को बोलने की वो भी बता दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि आपके विक्रम सर आपको तो पता ही है कि आप लोगों के लिए कितना कुछ करते हैं। मैंने कई बार तूफान पे बैठकर भी, काफ़ी आंधी आंधियाँ चल रही थी, आपने देखा होगा एक वीडियो में, तो आंधियाँ चल रही थी, पानी गिर रहा था, तभी मैं वीडियो बना रहा था, है ना। पूरे पत्ते पूरे मेरे ऊपर गिर रहे थे, आप देखिएगा वो वीडियो, है ना, बहुत पुराना वीडियो है। तो सबसे पहली चीज़ कि जॉब के लिए इंग्लिश आनी ज़रूरी नहीं है। आप यदि पढ़े लिखे नहीं भी हो ना अनपढ़ हो तो भी आप पैसे कमा सकते हो, इंग्लिश का इससे कुछ लेना देना नहीं है। पैसे भी कमा सकते हो, ऊपर से आप अमीर भी बन जाओगे आप अनपढ़ हो तो भी, ठीक है। अब ज़्यादातर लोगों को देखना, हमारे देश में जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट में काफ़ी अधिकतर लोग हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ स्किल नहीं होता, लेकिन वो अपने लीडरशिप स्किल की वजह से शासन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उनके पास अच्छे स्किल्स होते हैं, अच्छे काम कर लेते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं, बड़े का काम करते हैं, या काफ़ी सारे अलग तरीके के उनको मतलब सीखे हुए होते हैं, वो मेहनत किए हुए होते हैं, तो उसके बदौलत वो लोग पैसा कमा लेते हैं और अच्छी पोस्ट में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी भी अच्छी होती है, ठीक है। तो इंग्लिश का इससे कुछ लेना देना नहीं रहता। ऊपर से यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको ज़्यादा इंग्लिश की पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, कि ग्रामर का ग्रामर में जो मॉडल्स हैं, जो टेंसेज हैं, जो वर्ब है, इन सभी का यूज़ किस तरह से होता है, और आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि यार ये वर्ड सही हो सकता है मेरे लिए, तो उस पर टिक कर सकूँ, ये यहाँ पर मैं किस तरह से अपने जो एरर्स हैं मैं फाइंड कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको बननी चाहिए। अब बोलने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, जो कि बोलने के लिए आपको मैंने कहा था कि एक पेज आपको डेली पढ़ना चाहिए किसी भी तरह का है, और लेकिन एक और स्पेशल ट्रिक है जो कि मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया था, मतलब काफ़ी अच्छा इंग्लिश उसमें मतलब काफ़ी अच्छी इंग्लिश उसने अभी अभी सीख लिया है, तो उसने ट्रिक बताया था, मुझे शेयर किया था, तो मैं आपके साथ ही शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ भाई, वीडियो जो देख रहा हो मैं आप ही के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसने बताया था कि जैसे वो कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहा है या वीडियो में कुछ भी देख रहा है, तो उसके सामने कोई भी वोकैबुलरी वर्ड आ रहा है, कोई भी शब्द आ रहा है उसके सामने, तो वो उस शब्द से अलग अलग वाक्य बनाने की कोशिश करता था इंग्लिश में, ठीक है। अलग अलग तरह के वाक्य बनाता रहता था वो इंग्लिश में, तो ऐसा करते करते उसकी वोकैबुलरी तो स्ट्रांग हो गई, मतलब वो शब्द उसके दिमाग में बैठ गया, ऊपर से उसने सेंटेंसेस बनाना सीख लिया, और सेंटेंसेस बनाना सीख लिया तो उसको समझ में आ गया कि किस कंडीशन में कौन सा सेंटेंस बनाना चाहिए, धीरे धीरे उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, यदि आप लोग चाहो तो इस ट्रिक को आप ट्राई कर सकते हो इंग्लिश बोलने के लिए, इससे आपकी टंग जो होगी वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाएगी इंग्लिश बोलने के लिए। वेन एवर यू आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था मेरी इंग्लिश की क्लासेस भी है, ठीक है, आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं नंबर इधर ही कहीं आपको शो कर दूंगा, इधर या इधर कहीं पे भी, ठीक है, आप देखते रहना, मतलब कॉल करने के लिए। तो ये हो चुकी है अब इंग्लिश की बात हमारी। अब आते हैं भाई यूट्यूब वाले, जो हम मुझसे यूट्यूब के ऊपर जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, मेरे जो छोटे बच्चे भी हैं सब्सक्राइबर, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट भी है, क्लास थर्ड से लेके मैं कॉलेज स्टूडेंट्स तक को पढ़ा चुका हूँ, और छिंदवाड़ा के अलग अलग एरियाज़ में मेरे वीडियोज़ जाते हैं, और कुछ बाहर के लोग भी इसमें सब्सक्राइबर है, कुछ अमेरिका के भी, अभी मतलब जो अमेरिका में छिंदवाड़ा के लोग रह रहे हैं वो भी मेरे सब्सक्राइबर अभी भी जुड़े हुए हैं। तो यूट्यूब कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल सा व्यक्ति है, यूट्यूब रन कर सकता है। यूट्यूब आप यदि आप एक क्या बोलेंगे, एक सच्चे इंसान हो, एक तरह सच्चे यानी एक किसी को कॉपी करते हुए नहीं आ रहे हो और आप कुछ अलग चीज़ लेकर आ रहे हो यूट्यूब पर, ठीक है, तो आप चल सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने छिंदवाड़ा में लोकल एरिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो लोगों का इंटरव्यूज़ ले और लोगों को इंग्लिश सिखाए इस तरह से,
सोशल मीडिया पे, तो मैंने ये चीज़ें ट्राई किया था, इसलिए इस वजह से लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे और लोग मुझसे जुड़ना चाह रहे थे। और यूट्यूब के एल्गोरिथम के अगेंस्ट में है ये कि यार मैं अलग अलग कैटेगरी के वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, लेकिन फिर भी यूट्यूब को इससे कोई परेशानी नहीं आ रही है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ, कम्युनिटी गाइडलाइंस का भी मैं ध्यान रखता हूँ। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करिएगा, यदि आप ऑथेंटिक तरीके से आप आओगे कोई नई चीज़ लेकर लोगों के सामने यूट्यूब पर, तो यूट्यूब आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। और इसमें कोई ट्रिक वगैरह आप करने की कोशिश मत करिए, जो लोग कहते हैं कि यार इतने सब्सक्राइबर इतने दिन में हो जाएंगे, इतने व्यूज़ इतने दिन में हो जाएंगे, आप इस तरह से इस ट्रिक से यूट्यूब को ग्रो कर लोगे, ऐसा मत करिए। इसके अलावा आप मेरी खुद की यूट्यूब की टीम है, आप लोग चाहो तो हमसे बात कर सकते हो, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो यूट्यूब के सपोर्ट के लिए, हम भी आप लोगों के सपोर्ट के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, आप लोगों की हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप कुछ भी हमारे चैनल पर प्रमोट करना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम किसी तरह का आप लोगों से चार्ज नहीं लेंगे, मतलब एक फूटी कौड़ी भी आप लोगों से नहीं लेंगे, यदि आपकी सर्विसेज अच्छी है तो। लेकिन यदि आपकी सर्विसेज थोड़ी बहुत यानी इधर उधर रही तो फिर चार्जेस लेना पड़ेगा आप लोगों से भाई, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ ना ही लूँ, क्योंकि आप लोग मेरे अपने ही हो, नहीं लूँगा मैं आप लोगों से चार्ज, डोंट वरी, ठीक है। तो आप प्रमोट करिए, यदि आप लोगों के अंदर, यदि आपके बच्चे या आप लोग कोई अच्छे तरीके से डांस वगैरह कर सकते हो, कोई आर्ट है कला है, कोई आप शेयर करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, अपनी बात रखना चाहते हो, तो मेरे चैनल पे आपके विक्रम सर के चैनल पर आपका स्वागत है, ठीक है। बस इतनी चीज़ें मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। तो पहली चीज़ इंग्लिश के लिए मैंने ट्रिक बता दिया भाई, यूट्यूब के लिए भी मैंने आपको बताया कि भाई ऑथेंटिक होकर आप आ जाइएगा, इसके लिए आप कुछ प्रमोट करना चाहते हो तो भी आप मिल सकते हो, और जॉब के लिए इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, और जितनी इंग्लिश आपको आती है उसको इम्प्रूव करते चलो, इंग्लिश एक जस्ट एक लैंग्वेज है, उसको प्रैक्टिस करते चलो। सो वीडियो का ज़्यादा लंबा हो रहा है, आगे और टॉपिक आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, और मुझसे जुड़ने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू।